ये धर्म का काम है मंदिर बनाना, ये धर्म का काम है कोई बिल्डिंग बना के कोई आविष्कार करके जैसे धर्मशाला बनाना, ये अपने अपने तरीके से व्यक्ति सोचता है। लेकिन वास्तविक सत्य अगर हम उस जगह पे जोड़े कि क्या ये परमात्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा तो सारी सृष्टि में कण कण में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, तो वहां पर ईंट पत्थर से प्रकट होए मैं जाना तो है ही नहीं है, सीमेंट से प्रकट होए मैं जाना वो है ही नहीं, सरिया से प्रकट होए मैं जाना ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम से प्रकट होगा वो। तो प्रेम से प्रकट होने का मतलब क्या हुआ, प्रेम कैसे हुआ, प्रेम तो तभी हो सकता है जैसे हम निस्वार्थ भाव से परमात्मा के शरणागति होंगे, और वो जैसे रखे, कहते जैसे भी रखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, रहिए भी शब्द समझ नहीं आता है, रहिए क्या, वो रखेगा, वो उसमें परमात्मा ने रखना है अपने भक्तों को, तो ऐसे ही रखना है, बस थोड़ा सा ये है कि सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी बस और कुछ नहीं। तो जैसे बुल्ला शाह का ऐसा कहते हैं, किसी ने पूछा ना कि अपने बुल्ले शाह ने अपने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मन नहीं लगता है, मन आप कह रहे हैं इधर लगाओ परमात्मा को इसको छोड़ो तो कैसे, तो कहते हैं कि बस सिर्फ इधर से हटाना है और इधर लगाना है बस और कुछ है। हटाने का मतलब संसार में रहना तो है, रहना तो धरती में ही है, इसी जगत में ही रहना है, इसी धरती पे ही रहना है, कोई अलग से आकाश में नहीं है, वो कोई परमात्मा के वो जो मार्ग हैं वो आकाश के ऊपर है और वहां चढ़ के जाना है, ऐसा नहीं, रहना इसी धरती में ही है, इसी जगह में ही रहना है, लेकिन बस इन्हीं के बीच में रहते हुए उसके साथ जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए यहां संसार में हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो कार्य करते ही हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है तो वहां निस्वार्थ होना पड़ेगा, तब परमात्मा का साक्षात्कार का वो कोई मार्ग खुल सकता है, वो भी जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कभी आवत नाही, वो भी जन्म जन्म लग सकते हैं। यहां पर भी क्लियर कर दिया गया है कि निस्वार्थ भाव होने से भी तुम्हें साक्षात्कार तुरंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मर्जी पे, परमात्मा की इच्छा पे। कहते कि जे ही जानत ते ही दे ही जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाए, कि अगर आप जिसको अपने आप को बताना चाहते हैं तो वो ही देख पाएगा ना, नहीं तो और तो कोई देख ही नहीं सकता। जय जय मान सम्मान कहाँ कर रहे हैं फिर उनकी पीठ पे चढ़ के कि आप मुझे मतलब लेके चले, मैं थक गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, थक गया तो प्राण त्याग हो ना, प्राण त्याग दो ना, पीठ पे क्यों चढ़ना है, शरणागति है ना, चरणों में ही रहो ना जैसे वो रखे। लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा जो अंतर्यामी है, भगवान जिसे हम कहते हैं, वहाँ उस सखी को भी छोड़ के वो अदृश्य हो गई, तो वो पीछे वाली और जो सखियाँ थी वो सारी घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची, तो यहाँ ये सखी जो है रो रही है कि मेरे भगवान मुझे छोड़ के चले, मेरे से बहुत गलती हुई, मेरे से ये हुआ, बहुत अपने आप को कोसती है, और सारी सखियाँ अपने आप फिर कहती है कि हम सबसे अभिमान हुआ है, हम सबसे भूल हुई है, ऐसा कहने का मतलब कि ऐसे सही में देखा जाए तो परमात्मा इन सब जितने भी दृश्य अभी दिख रहे हैं ना, हम लोग कथाएं कर सकते हैं, हम लोग भगवान की चर्चा कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ना निस्वार्थ भाव से वो तो समझ में आता है, पर कामनाओं से संबंधित जब हम सभी लोग इस तरह से हो जाते हैं तो फिर परमात्मा थोड़ा सा एक अलग ऐसा अपना रूप ले लेते हैं कि वो हमें एकदम साक्षात या साक्षात्कार नहीं होता, बल्कि वस्तुएं दिखेंगी, आलू इकट्ठे कर रहे हैं हम, कभी घी इकट्ठा कर रहे हैं हम, कभी हम दाल चावल इकट्ठा कर रहे हैं भंडारे लगाने हैं, कभी हमारे को मंदिर बनाने हैं तो मंदिरों के लिए हम सीमेंट ही ढूंढ रहे हैं, हम सरिया ढूंढ रहे हैं, हम दानियों को ढूंढ रहे हैं, कोई दानी दान दे दे, तो परमात्मा तो बहुत दूर है, इन चीज़ों से तो चीज़ें ही मिलेंगी, परमात्मा नहीं मिल सकता ना, ये हमारी सोच है। हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, मतलब कहने का भाई मठ मंदिर बनाया बहुत बड़ा, तो उसके लिए सीमेंट तो चाहिए, सरिया तो चाहिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, ये धर्म का काम है,
मंदिर बनाना, ये धर्म का काम है कोई बिल्डिंग बना के कोई आविष्कार करके जैसे धर्मशाला बनाना, ये अपने अपने तरीके से व्यक्ति सोचता है। लेकिन वास्तविक सत्य अगर हम उस जगह पे जोड़े कि क्या ये परमात्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा तो सारी सृष्टि में कण कण में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, तो वहां पर ईंट पत्थर से प्रकट होए मैं जाना तो है ही नहीं है, सीमेंट से प्रकट होए मैं जाना वो है ही नहीं, सरिया से प्रकट होए मैं जाना ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम से प्रकट होगा वो। तो प्रेम से प्रकट होने का मतलब क्या हुआ?